हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत इन प्यारे प्यारे बुगेनवेलिया के फ्लावर्स के साथ। तो देखिए, इस सर्दी के मौसम में भी कितने अच्छे से मेरे बुगेनवेलिया ब्लूम कर रहे हैं, और इसकी वजह ये है कि इस बार बैंगलोर में इतनी ज़्यादा कोई ठंड नहीं पड़ी है। मौसम भी बहुत अनप्रडिक्टेबल सा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बादल भी छाए हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, तो इसी वजह से ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। तो चलिए, ये एक बात आपके साथ शेयर करनी थी। अब हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आज हम चूटियां यानी एंट्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। वैसे तो एंट्स हमारे गार्डन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जो भी एफिड्स या मेलीबग्स का अटैक होता है हमारे प्लांट पे, उनको डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये हार्मफुल इंसेक्ट्स और पेस्ट को भी खाते हैं, तो अच्छे होते हैं हमारे गार्डन के लिए। लेकिन जब यही एंट्स हमारे प्लांट की पॉट्स के अंदर अपना घर बनाने लगते हैं, अंडे देने लगते हैं, तब ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तब ये हमारे प्लांट्स को इन अ वे हार्म करने लग जाते हैं। जैसे ही ये अपने घर बनाने लगते हैं हमारे प्लांट्स की पॉट में, फ्रेंड्स देखिए होता क्या है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक जेरेनियम का पॉट है, क्ले पॉट है। और ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि मिट्टी के गमलों में ही चींटियों का जो है अटैक होता है, क्योंकि ये गमले अंदर से ठंडे रहते हैं और चूंटियों को जो है ठंडी जगह अच्छी लगती है। तो ये आप देखिए, मेरा मिट्टी का गमला है और नीचे से इसकी हालत देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने जो है ड्रेनेज होल में से मिट्टी निकालना शुरू कर दिया है। और देखिए कितनी सारी मिट्टी पीछे जमा हुई हुई आपको दिखाई दे रही है। तो बस यही ये काम करते रहते हैं, धीरे धीरे ये आपके पॉट में से जो है मिट्टी खाली करते जाएंगे। और इसकी वजह से जो है हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के आसपास मिट्टी कम होने के कारण जब भी हम इन प्लांट्स में पानी डालते हैं, वो पानी सीधा ड्रेनेज होल से बाहर आ जाता है, इनकी रूट्स तक नहीं पहुंच पाता और हमारा प्लांट धीरे धीरे ड्राई होके मर जाता है। इसलिए हमें इन चूंटियों को अपने गमलों में से हटाना है, उनको इसके अंदर घर बनाने नहीं देना है। तो किस तरह से हम इन चूंटियों को भगा सकते हैं अपने गमलों में से, आज कुछ ही ऐसे तरीके मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, जिनसे आप इन चूंटियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको वो नुस्खा बताऊंगी जो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है, और वो है ये फिटकरी, जिसे हम एलम कहते हैं। और पानी साफ करने में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में बहुत ही आराम से मिल जाता है और बहुत ही सस्ते दामों में ये मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका आपने एक छोटा सा टुकड़ा जो है पानी में डिजोल्व कर लेना है, और डिजोल्व करने के बाद आप उस पानी को जो है अपने किसी भी पॉट में डाल दीजिए जिसमें चूंटियों का अटैक हुआ हुआ है। इससे जो है आपकी सारी चूंटियाँ इमीडिएटली उस पॉट में से भाग जाती हैं, और ये आपकी सॉइल को एसिडिक भी बनाता है। तो चूंटियों के भगाने के साथ साथ ये आपकी सॉइल को भी एसिडिक बनाएगा, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट है ये सिनेमन पाउडर, ये भी किचन में बहुत इजीली अवेलेबल होता है फ्रेंड्स। इसे आप इस तरह टुकड़ों में भी यूज कर सकते हैं। आपने बस थोड़े से टुकड़े जो है सॉइल में मिला देने हैं। इसकी खुशबू से भी चूंटियां भाग जाती हैं, और आप सभी जानते हैं ये कितना अच्छा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी है। और आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। इसका पाउडर बना के आप जो है सॉइल के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए फ्रेंड्स, इससे भी चूंटियां भाग जाती हैं। आप बे लीफ यानी तेज पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चूंटियों को अपने गमले में से भगाने के लिए, क्योंकि इनमें जो है बहुत ही स्ट्रांग स्मेल आती है, इसकी स्मेल से ही वो दूर भागते हैं फ्रेंड्स। तो आपने करना क्या है, इन पत्तों को थोड़ा सा क्रश कर लेना है, 2-4 टुकड़े बना लेने हैं, और इनको जो है सॉइल के टॉप लेयर में मिक्स कर देना है। आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुआ हुआ है आपके पॉट में, नीचे होल में यानी ड्रेनेज होल के नीचे भी आप जो है इसका एक पत्ता रख सकते हैं। इसकी खुशबू से, स्मेल की वजह से सारी चूंटियाँ भाग जाती हैं फ्रेंड्स। फिर आती है हल्दी की बारी। इससे आप बहुत आराम से जो है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए अपने मिट्टी के ऊपर फ्रेंड्स, तो इसे भी जो है चूंटियां भाग जाती हैं। आप चाहें तो इसका सोल्यूशन भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर आप पानी में घोल दीजिए और वो पानी आप अपने गमलों में डाल दीजिए, तो उससे भी चूंटियां भाग जाती हैं। इसी तरह आप मिर्ची पाउडर का यानी चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए फ्रेंड्स, या तो आप इसका भी सोल्यूशन बना के मिट्टी में डाल दीजिए, तो इससे भी चींटियां भाग जाती हैं। आप पेपर पाउडर का इस्तेमाल करके भी चूंटियों को भगा सकते हैं फ्रेंड्स, और साथ में ये एक बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स भी है, तो इसे भी आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए सॉइल की टॉप लेयर के ऊपर, तो इससे भी चूंटियां बहुत हद तक आपके गमले में से हट जाएंगी। इसके अलावा आप नीम ऑयल का भी
यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह हम नीम ऑयल का सोल्यूशन बना के अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, वही सोल्यूशन आपने जो है अपने पॉटिंग सॉइल में अप्लाई करना है। इससे भी चोटियां बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं सॉइल में से। और लास्ट में है सबसे आसान तरीका, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस है। इसमें आपने करना क्या है कि जिस पॉट की मिट्टी में भी चूटियां उन्हें घर बसाया हुआ है, उसकी आपने ऊपर से अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। रोज आपने जो है दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करनी है, और ये प्रोसेस आपने 4-5 दिन तक लगातार करना है। तो गुड़ाई करने से होगा क्या, चूटियां जो है अपना घर नहीं बना पाएंगी गमले के अंदर। तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो इन सब तरीकों से आप बहुत आसानी से जो है अपने गमले की मिट्टी में से चूंटियों को भगा सकते हैं। अगर ये सारे काम ना करें तो फिर आप बाजार से कोई भी इंसेक्टिसाइड पाउडर ला सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, हैं उनके इस्तेमाल से भी हमारे प्लांट्स को कोई हार्म नहीं पहुंचता। बस आपने जो है थोड़ा सा पाउडर लेके सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, इससे भी चूंटियां खत्म हो जाती हैं हमारे पॉट के अंदर से। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप चूंटियों से छुटकारा पा सकते हैं अपने गार्डन में। ज़रूर आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए।